So this is the pandal guys. It is in Albert Hall. हेलो गाइस नमस्ते, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू अ न्यू फ्रेश ब्लॉग ऑफ एल्बम सोल। टुडे इज महाशप्तमी गाइस, तो सभी को फिर से मेरी तरफ से एक बार दुर्गा पूजा का हार्दिक शुभेच्छा। गाइस आज से तुम्हारा भाई प्रॉपर तरीके से पेंडल विजिट करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि आज ही से हमारे यहाँ पर सब लोग निकल पड़ते हैं एकदम से। कल मतलब षष्ठी के दिन जितना ज्यादा भीड़ था उससे 10 गुना ज्यादा भीड़ होने वाला है। रोड पे देखना पैर रखने की जगह तक नहीं मिलता है। हम लोग इस दिन का दुर्गा पूजा का 365 डेज तक वेट करते हैं, तरसते हैं कि कब आएगा ये दिन और कब हम लोग दिल खुल के एंजॉय करेंगे, नए कपड़े पहन के घूमेंगे दोस्तों के साथ, मजा करेंगे ना। तो फाइनली वो दिन आज आ चुका है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। बाकी तुम्हारे भाई को कल रात थोड़ा सा सर्दी हो गया था, अभी भी थोड़ा थोड़ा है सर्दी, लेकिन दवाई मैंने ले लिया है। क्योंकि जो भी हो गाइस, आज रात तो घूमना है एकदम, बहुत रात तक घूमना है, आप लोगों को दिखाना है, ब्लॉग करना है, इसलिए मेरा ठीक रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप लोग जो जो भी देख रहे हो इस ब्लॉग को मत छोड़ना, और कुर्सी की पेटी सख्त करके बांध लो, बांध के बैठ जाओ एकदम, हाथ में पॉपकॉर्न जो भी हो पास में लेके बैठ जाओ, क्योंकि आज तुम्हारा भाई दिखाने वाला अलीपुरद्वार का खतरनाक अट्रैक्टिव पैंडल्स। ये एक सीरीज होने वाला है गाइस दुर्गा पूजा के लिए, सप्तमी अष्टमी नवमी दशमी, ये 4-5 दिन का सीरीज होने वाला है, जिसके लिए मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा। इसमें नींद से तुरंत उठ के ही ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था डायरेक्ट, और वैसे भी मुझे थोड़ा सा सर दर्द हो रहा है, तो जल्दी से जाके थोड़ा चाय पीता हूँ, चाय पीने के बाद आप लोगों से मिलूंगा। और बाकी अभी सनसेट भी होने वाला है, ठीक है, तो मिलते हैं एकदम न्यू ड्रेसअप पे, चलो। सो ये होने वाला है आज का तुम्हारा भाई का ड्रेसअप, ब्लैक पैंट विथ ब्लैक शर्ट, ये उतना ज्यादा ब्लैक नहीं है, थोड़ा सा ब्लू है, तो ठीक है जल्दी से पहनते हैं चलो। सो फाइनली गाइस अभी मैं रेडी होके मंदिर में आ चुका हूँ, और अभी बज रहा है 8 और सब रेडी होके आ चुका है। इधर आ भाई, तेरा लुक दिखा देते हैं एक बार, देखो मेरा तो लुक देख लिया, उसका लुक देखो, ऊपर से नीचे तक पूरा ऊपर से नीचे तक। ये मेरा छोटा भाई, इसका भी ये भी जाएगा हमारे साथ। कैसा लग रहा है सबको आज? आज पूरा रात घूमेंगे, चलो चलो फिर चलते हैं, घूमना स्टार्ट करते हैं चलो। फाइनली हम लोग न्यू टाउन दुर्गाबाड़ी के सामने आ गए हैं, जाएंगे अंदर, बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है। सो जैसे कि मैंने बोला ये न्यू टाउन दुर्गाबाड़ी है, तो इसके अंदर और बाहर हेवी मात्रा में भीड़ था गाइस, जहाँ भी देखोगे ना वहाँ ही आपको लोग नज़र आएंगे, तो इसलिए मैंने ब्लॉग में कुछ नहीं बोला उस टाइम पे, जस्ट आप लोगों को दिखाया। और ये रहा न्यू टाउन दुर्गाबाड़ी का दुर्गा प्रतिमा, जो बहुत ही खूबसूरत है। So guys, अंदर बहुत ज्यादा भीड़ है, इसलिए मैं अंदर इतना ज्यादा वॉइस नहीं दे पाया, तो अभी दे रहा हूँ। अंदर बहुत ज्यादा भीड़ है, मैं खड़ा भी नहीं रह पाया, जस्ट गया और दिखाया आ गया। वो देखो भीड़ देखा, सप्तमी के दिन इतना ज्यादा भीड़, तो क्या होने वाला है। चलो नेक्स्ट पैंडल पे जाते हैं, अभी ज्यादा टाइम नहीं होगी। हमारा लाइटिंग वाला बुर्ज खलीफा, सामने की तरफ गजब का भीड़ है, गजब का। तो यहाँ से 90 बैठा दिया है पुलिस वालों ने, पुलिस वालों बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, आपको हम चेयर करते रहेंगे। यहाँ पर कोई भी गाड़ी वाड़ी नहीं आ सकते, इसलिए हम मेन रोड पे चल रहे हैं। ये जो आप देख रहे हो लाइटिंग, यहाँ से जितना भी लाइटिंग स्टार्ट हुआ है वो सब इस्कॉन मायापुर का, मायापुर से है, मतलब वहाँ पर जो कारीगर है उन लोगों ने बनाया है इसे। बाकी गाइस मैं पूजा के दिन भी आप लोगों के लिए ब्लॉग बना रहा हूँ, ठीक है, ब्लॉग को लाइक तो जरूर से करना, ठीक है, ये मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है छोटा सा, ब्लॉग को लाइक जरूर से करना। बाकी लाइटिंग देखो आप लोग,
कोविड-19 के वजह से 2 साल ऐसे ही पूजा हुआ था, लेकिन इस बार जो पूजा हुआ है ना गाइस, वो भी अलीपुरद्वार में। अब जहाँ भी देखोगे वहाँ पर ही आपको लाइटिंग दिखेगा, होल रोड पे आपको लाइटिंग दिखेगा, और लाइटिंग इतना ज़्यादा धमाकेदार है क्या ही बोलूँ मैं। आप लोग यहाँ पर होते तो आप लोग भी फील कर पाते। बाकी मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैं यहाँ पर रहता हूँ, और लाइटिंग सेटअप और दुर्गा प्रतिमा पेंडेंस वगैरह एकदम औसम। ये है भातृसंघ, और इस क्लब का यही खासियत है कि ये बहुत ही छोटे से कॉम्पैक्ट सी जगह पे बहुत ही सुंदर सुंदर थीम्स बनाते हैं। हर बार ये बहुत ही अच्छे अच्छे थीम्स बनाते हैं, जैसे कि इस बार था समुद्रिक थीम, जैसे कि समुद्रिक जीव, जैसे कि मछलियाँ, सी हॉर्सेस, पड़िया, वैसे ही थीम था इस बार। और इस बार भी बहुत ही खास बना इन लोगों ने, बहुत ही अच्छा बनाया, बहुत ही यूनिक था इस बार भी बहुत ज़्यादा। गाइस अभी हम लोग यहाँ पर पानी पूरी खाएंगे, यानी कि फुचका खाएंगे। तो अभी जा रहे हैं शांतिनगर क्लब में, वो यहाँ पर भी बहुत ही अच्छा उपल मुफल का, सॉरी मेरे से हो रहा है जितना मैं उतना ट्राई कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को समझ में आए, देख के मजा आए, ठीक है ना। बाकी साथ चारों तरफ माइक वाइक लगा हुआ है, तो क्या ही बताया। तो दिस इज द पैंडल गाइस, इट इज इन की एल्बर्ट हॉल। ऐसे यहाँ पर नॉइस बहुत ज्यादा कम है अभी तक जाकर। मूर्ति गाइस, ये था कुछ शांतिनगर क्लब का नजारा, पूजा जो भी बोल सकते हो। खाएंगे कॉर्नेटो। काकू, ओ काकू, कॉर्नेटो से कॉर्नेटो बेटा बोलो। एकटा बटर स्कॉच, एकटा चॉकलेट, अभी लगभग 10:30 बजे अभी हम हमारे जो पारा का पेंडल है वहाँ पर आ चुका है, और अभी हम लोग जाएंगे बाइक में घूमने के लिए। देखो मेरा बाइक यहाँ पर ही खड़ा है, बाबा लेके आया था बाइक तो यहाँ पर है, मैंने चाबी ले लिया है, तो हम दोनों इनका भी घूमने जाएंगे। बाकी जितना दिखाना था मैंने दिखा दिया, उतना एट्रैक्टिव पेंडल्स नहीं दिखाया आज, कल दिखाऊंगा वो सब, ठीक है, कल दिखाऊंगा। बाकी जो जो दिखा है बहुत अच्छा पेंडल्स था, आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर से बताना मुझे, ठीक है। तो चलो अभी थोड़ा बाइक में घूम के आते हैं। चलो, मैं ऐसे एक पेंडल पे खड़ा था और पीछे से भैया आके मुझे टोके और बोले कि मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ, जो सुन के यार दिल ही खुश हो गया एकदम से। तो
गाइस, मैं यहाँ पर घूमने आया था तो एक सब्सक्राइबर से मिल गया, ये मेरे वीडियो देखता है, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने खुद आके मुझे बोला। सो गाइस, अभी रात के बज चुके हैं 12:10 बज चुका है अभी, तो अभी मैं घर जा रहा हूँ। बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, लेट तो हुआ है गाइस क्योंकि दुर्गा पूजा है। बाकी आज आपको ब्लॉग कैसा लगा आप सब लोगों को नीचे कमेंट करके मुझे जरूर से बताना। तो मुझसे जितना हो सका मैंने उतना दिखाया आप सब लोगों को। बाकी मिलते हैं और स्क्रीन वाले ब्लॉग में, तो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, मूव ऑन टू अवर्स योर गोल। बाय।